जी नाजरीन, आज हम आपको दिखाते हैं कि टोयोटा एक्वा में एक एसेसरी बटन इंस्टॉल करना है अंदर, तो वायर के साथ उसकी वायरिंग और वो कैसे करनी है। तो ये देखें आप, ये जो वो जगह है जहाँ पे हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी सॉकेट्स हैं। तो हम इसके पीछे से इसको अंदर हाथ डाल के, सो इसमें एक सॉकेट जो है उसको हम वो वायर निकाल लेंगे। ये देखें, और इसमें इसी तरह से हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जो हम नया बटन लेके आए हैं वो सेम इसी स्पेसिफिकेशन का है, सो हम उसको उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। ये नाज़रीन हमारा नया बटन जो हमने ऑर्डर किया था दराज से, वो आ गया है। इसको अब हम जो है वो इसमें इंस्टॉल करेंगे, आप देख लें। सो इसको इंस्टॉल करने का ये तरीका है कि इसको हमने अमीन को वो चेक कर दें जाए। अच्छा, और ये देखिए कि हमने वायर जो है वो उसके अंदर ये इस तरह डाल देनी है, क्योंकि इधर से स्विच को हम पाइप से अंदर को डालेंगे। ये देखें जी, इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल फिट किस्म का। और वायर इसके अंदर आ गई हैं। ये जी, इस स्विच की जो है ना वो तीन वायर्स हैं, ये देख लें। एक ब्लू है, एक येलो है, एक रेड है। सो आपने ये जो है ये वायर जिसके साथ ये अटैच है, ये ग्राउंड की है, इसको ग्राउंड कर देना। और ये जो रेड वायर है ये आपकी पावर सोर्स से आएगी, इसके साथ कनेक्ट कर देना। और ये जो येलो वाली वायर है, इसको जो आपने एक्सेसरी आपने लगाई है, लाइट है, कुछ भी है, तो ये आपने उसके साथ अटैच कर देना, तो इट विल वर्क।